ओम शक्ति जय माँ काली। क्या होता है जब बुद्ध मार्गी हो जाते हैं? भाइयों बहनों, 2 जनवरी से बुद्ध मार्गी होने जा रहे हैं। बुद्ध एक बहुत ऐसा ग्रह है जो जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसी ग्रह का रूप धारण कर लेते हैं। अगर सूर्य के साथ बुद्ध बैठे तो सूर्य सा फल देंगे, अगर शनि के साथ बैठे तो शनि सा, और अगर राहु के साथ बैठ जाए तो राहु का सा ही कष्ट देने लगेगा भी बुध ग्रह। तो अभी भाइयों बहनों 2 जनवरी से बुध मार्गी होने जा रहे हैं। तो मार्गी जब बुध हो जाएंगे तो क्या फल मिलेगा, क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा? तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि अगर आप मेष राशि के हैं और बुध मार्गी हो रहा है, यानी कि बुध अभी है वृश्चिक राशि में, जब मार्गी हो जाएंगे तो कुछ समय के बाद वे पहुंच जाएंगे धनु राशि में। तो अभी बुध का संचारण संक्रांति होगा वृश्चिक राशि से धनु राशि पर। तो अभी चलते हैं, अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हम चंद्रमा की राशि और लग्न राशि से देख रहे हैं। अगर आपका बुध मार्गी हो रहा है और आप मेष लग्न के हैं, तब आपका बुध पहुंच जाएगा अष्टम भाव में, आपका बुध है और अष्टम भाव में बुध होकर विवाह का योग बना रहा है और मित्रता का योग बना रहा है। जो बच्चे तरसते, कभी कभी मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारा तो फ्रेंड ही नहीं होता है, या होती है, जो होता है वो कभी बहुत जल्दी दूर हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत शुभ फल देने जा रहे हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी आपको एक ऐसा अच्छा मित्र मिल जाएगा जो आपकी समस्याओं को समझेगा, आपके मनोभावों को समझने जा रहा है, तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। और जब वह कुछ महीनों बाद जब वह धनु राशि में जाएगा तो आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यद्यपि धन व्यय कराएगा स्वास्थ्य में, लेकिन आपको स्वास्थ्य लाभ जरूर कराएगा। और अगर आप वृष लग्न और राशि के हैं तब तो यह बुध जो है यह पक्का आपके शादी में, विवाह में हेल्प करेगा। अगर आपका प्रेम प्रसंग है और वह विवाह में परिणत नहीं हो पा रहा है तो वह भी हो जाएगा। और अगर आप बहुत दिनों से व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो आपके लिए हम सलाह देंगे कि अपना पार्टनर, आप अपनी ही वाइफ को या अपनी माता को या अपनी पुत्री को या अपनी बहन को बनाए। अगर आप बहुत दुबले पतले व्यक्ति को और जिसके दांत थोड़े बाहर हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बनाएंगे तो आपको धोखा मिलने की संभावना रहेगी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के लिए लाभकारी हो सकते हैं, जैसे कि ऐसा व्यक्ति मकर राशि लग्न के लिए फायदेमंद होंगे, कुंभ लग्न और राशि के लिए भी फायदेमंद होंगे, लेकिन जो वृष राशि के हैं उनके लिए फायदेमंद नहीं होंगे, क्योंकि वृष राशि में जब चंद्रमा हो और तो वृश्चिक राशि में उसकी निम्न दृष्टि पड़ती है, और चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में होते हैं तो निम्न के हो जाते हैं और वह अनिष्ट फल देने लगते हैं। और आगे चलते हैं मिथुन राशि और लग्न। अगर आप मिथुन लग्न के हैं, आप मिथुन राशि के हैं, तब आपका जो बुध है वह पड़ जाएगा, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 हाउस में। तो 6 हाउस में जब आपका मार्गी बुध पड़ेगा और वह जाने वाला होगा धनु राशि में, तब वह आपको रोगी। तो ऐसी जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, आप दूसरों को भी यह फायदा पहुंचाएं, इसलिए आप इसे लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। आपको अगर कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करेंगे। जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेंगे। धन्यवाद। जय माँ काली।